तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम खड़े हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में और ये हमारे पास सामने खड़ी है हीरो ऑप्टिमा व्हाइट कलर में, जिसके टायर 13 इंची के हैं। भाई साहब, गाड़ी की तरह ही ऊँची कर दी है। तो साइड लुक देखते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमा HX की बैजिंग है, ये व्हाइट कलर है। और भाई इसका एक फ़ायदा तो है बड़े टायर का, देखो भाई इसका ग्राउंड क्लीयरेंस कितना ज़्यादा है। और अपने पास यहाँ पे आगे थोड़ी स्टोरेज स्पेस है, इसकी एक बार चाबी देख लेते हैं। यहीं से ऑन ऑफ होती है, कोई सेल्फ मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और भाई देखो, इसमें शायद बैटरी नहीं, इस चक्कर में मीटर ऑन नहीं हुआ। एक बार चलते हैं फ्रंट लुक देखते हैं। सामने हीरो की बैजिंग रेड कलर में है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि भाई 45 की स्पीड है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, 13 इंची के टायर हैं, सिंगल बैटरी है। एक बार इसकी सेविटी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे स्टोरेज है भाई, यहाँ पे बॉटल वाटल रख दो। ये तो पी हॉर्न का है इंडिकेटर। और एक बार चलते हैं इसकी, एक बार बूट स्पेस देखते हैं, डिग्गी की स्पेस खुल जा सिमसिम खुल गई। तो भाई देखो यहाँ पे इतने, एक ही हेलमेट तो आ जाएगा, मिनी हेलमेट। और ये जो नीचे है ये शायद बैटरी के लिए है। देख सकते हैं सिंगल बैटरी इसमें ऑप्शन है, जब भी भाई इसकी रेंज थोड़ी कम रहेगी तो इसको वापसी रख देते हैं। और आप देख सकते हैं इजीली तो नहीं लग रही, पीछे से लुक देख लो ऐसा है। इंडिकेटर, टेल लैम्प, ये अपने शॉकर है ग्रीन कलर में। यार ब्लैक होते तो ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन कोई नहीं, इलेक्ट्रिक की पहचान ग्रीन है। तो इसको वापसी रख देते हैं। थोड़ा टाइट बंद होता है, बाकी एक बार देख लेते हैं। इसके साइड में देखो यहाँ पे हॉर्न के लिए, यहाँ पे देखो फोन चार्ज करने के लिए भाई ऑप्शन है 5 वोल्ट का। ये अपने लाइट्स ऑन ऑफ के जो होता नहीं है आगे फ्रंट हेडलैम्प के लिए। ये डिजिटल मीटर इसलिए चल रहा, लाइट नहीं थी। अब एक बार इसका दूसरा कलर देख लेते हैं जो कि है ब्लू कलर में इसके साइड में। तो भाई देखो ब्लू कलर भी अच्छा है, लेकिन भाई मैं तो वाइट लूँगा, बाकी आपकी पसंद है। कमेंट में बताना आपको कौन सी कलर की ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई इसका भी लुक देखो काफ़ी अच्छा है। ये LED लैम्प दे दी है सामने अंदर हेडलैम्प में, ये नीचे इंडिकेटर, इसके भी वही है। ये शायद डुअल बैटरी में है, ये देख सकते 4 से 5 घंटा, 120 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो ये काफ़ी अच्छी है। भाई मेरे को ये वाली जो स्कूटी है ये ज़्यादा मेरे को पसंद आई है, फैंटम इसका नाम है भाई, ब्लैक कलर में। भाई ब्लैक कलर में बड़ी प्यारी लगती है, आगे देखो। लेकिन इसके 10 इंची के टायर हैं और बाकी इंडिकेटर कोने कोने में है। ये भी 4 से 5 घंटा चल चार्ज होने में लगती है। भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है, 55 तक की इसकी स्पीड है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक, यहाँ पे हीरो की बैजिंग रबड़ में है। तो भाई ये स्कूटी 4 से 5 घंटे में चार्ज होती है, स्पीड इसकी 55 तक की है और इसकी रेंज है 80 किलोमीटर एक चार्ज पे। भाई टायर इसके 10 इंची के, हीरो की बैजिंग यहाँ पे भी, और ये स्टिकर लगा दिए। इंडिकेटर देखो भाई कोने कोने में, कोने कोने तक इनकी तरक्की है। और भाई ये इसकी बैजिंग, ये अपना ग्रीन नंबर प्लेट आएगा, रजिस्ट्रेशन इस पर चलान वलान कटेगा। यहाँ पर LED हेड लैम्प है, नीचे पायलट लैम्प है। और भाई जला के देखते हैं भाई लाइट को, जल रही है कि नहीं, बैटरी है कि नहीं, अभी तो जल ही नहीं। अब बाकी सीट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये वाले स्विच भी है, इसी से ऑन ऑफ होती चाबी। सबकी हीरो वालों की सबकी सेम चाबी है। थोड़ा इसका मीटर देखो, डिजिटल मीटर है, जैसे कि हमारी NYX स्कूटी में था। आप वीडियो देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर। और लाइट देखो भाई LED है। भाई इसको भी पीला क्यों कर दिया, इतनी कॉस्ट कटिंग, इतनी महंगी भी नहीं है, ओ सस्ती भी नहीं है स्कूटी, दे देना चाहिए था। ये देखो डिजिटल मीटर पूरा है, यहाँ से इंडिकेटर चल जाते हैं। इंडिकेटर जला के दिखाते हैं मैं आपको, देखो भाई ऐसे इसके इंडिकेटर चलते हैं, अच्छा लुक आता है भाई। स्कूटी का कलर अच्छा लगा मुझे, ब्लैक कलर तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपको बताना कौन सा है कमेंट सेक्शन में। और ये इधर की साइड अपना वो है हॉर्न मॉडल, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ थोड़ा ना भाई थोड़ा कर्व टाइप का है, बाकी का बैक लुक देख लो, थोड़ा गोल गोल सा है सब कुछ इसमें, जैसे आगे की लाइटें गोल है वैसे पीछे की टेल लाइट भी गोल है। और यहाँ देख सकते हो आप ये हॉर्न, उस साइड भी अपना हॉर्न, दोनों साइड अपना हॉर्न दे दिए, कहीं से भी बजा ले कोई। बाकी यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग है, 0 एम्बिशन। पर इसमें एक कम लगी यार, इसके टायर बड़े छोटे हैं, एक्टिवा जितने हैं, कल को फिसल भी सकती है। देखो कितना छोटा लग रहा है स्कूटी के हिसाब से टायर। बाकी एक बार हम लोग इसकी डिग्गी देख लेते हैं, डिग्गी कैसी है, डिग्गी कहाँ से खुलती है इसकी। अच्छा देखो गाइस, यहीं से इसकी डिग्गी खुलती है, कैसे देखते हैं। तो भाई सीट की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, मतलब लग रहा है कि बैठने पे कंफर्टेबल होगा।
पसंद है। ये फाइबर का होता है, ये सब मेटल का रहता है। ये अपने लेडीज़ फुट रेस्ट है। और भाई सीट में देखो, कवर नहीं लगा तब ज़्यादा लुक आता है। चाबी एक बार घुमा के देखते हैं, इसकी बूट खोल के, यहीं से ऑप्शन है, इसका पीछे नहीं है जैसे बाकी। तो बूट यहीं से ऑप्शन होता है अभी। तो देखो बूट हमारी खुल चुकी है, तो इसमें इतना स्पेस है कि हाफ फेस हेलमेट, ये MCB है, कल को शॉर्ट सर्किट हो चले। ये इसमें चार्जर रखा है फिलहाल, तो मैं ज़्यादा हटाऊंगा नहीं। वही सेम मान लो जैसे ऑप्टिमा में था ना, नीचे जैसे बैटरी रखने का, वैसे एक हाथ जितनी इसकी डेप्थ है। बाकी सीट वगैरह क्वालिटी अच्छी है, मतलब जैसे आपके जुपिटर एक्टिवा में होता नहीं, वैसे उसी टाइप की क्वालिटी है टच करने में सब कुछ। यहाँ पे आगे फ्रंट में इलेक्ट्रिक की बैजिंग है, और इसमें दो कलर आते हैं, एक आप देख सकते हैं अपने इसके साइड में, ये जो अपने मतलब लड़कियों के लिए ठीक है कलर, जैसे आपको गिफ्ट करना हो किसी को तो उस हिसाब से सही है। लेकिन मैं पर्सनल जैसे अपने लड़कों वाला अपना टेस्ट ये है ब्लैक एकदम। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कलर कौन सा अच्छा लगा वो भी बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।